आप सभी ने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा। यह बास्केटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत के बलबूते पर यह सफलता प्राप्त की है। माइकल जॉर्डन बचपन से ही अपने पापा के बहुत आज्ञाकारी बेटे थे। एक बार उनके पिता ने उनको एक टी शर्ट दी और कहा, माइकल इस टी शर्ट को बेचकर दिखाओ। माइकल गए और उन्होंने इस टी शर्ट को $1 में बेच दिया। उनके पिता ने उनको शाबाशी दी और अगली बार फिर कहा, माइकल जाओ अब की बार इस टी शर्ट को $2 में बेचकर दिखाओ। माइकल गए, धूप में परेशान होते रहे, लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिकी माउस का फोटो प्रिंट किया और एक अच्छे स्कूल के बाहर खड़े हो गए जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तब एक बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई और उसके माता पिता ने वह टी शर्ट उस बच्चे को दिला दी। इसके बदले माइकल को पूरे $20 मिले। माइकल घर आए और अपने पिता को $20 थमा दिए। अब उनके पिता ने एक काम फिर से दिया। अब उन्होंने कहा कि इस बार तुम टी शर्ट को $200 में बेचोगे। माइकल ने मना नहीं किया और बेचने के लिए निकल गए। तभी माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई है। माइकल बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करके चले गए और लोगों की भीड़ को चीरते हुए निकल गए और सीधा एक्ट्रेस के पास पहुँचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहाँ पहुँच चुके थे। माइकल के मासूम से चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने उनको अपना ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल शहर में वापस आए और टी शर्ट को चौराहे पर खड़े होकर बेचने लगे। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहाँ हर कोई टी शर्ट खरीदने के लिए आतुर था। किसी ने कहा $200 तो किसी ने कहा $500। अतः वह टी शर्ट माइकल ने $2000 में बेच दी। जब वह उनके पिता के पास आए तो पिता ने यह सुनकर उनको गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू जो चाहे वो कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया के शहंशाह हैं। दोस्तों, माइकल की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर वक्त बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बहानों से आगे बढ़कर सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।